नमस्कार, बिहार की आवाज के साथ मैं चंदन कुमार। अभी हम दलसिंह साय टीवीएस एजेंसी, यहाँ हमारी मुलाकात मोरबा विधानसभा के विधायक रणविजय साहू जी से हुई। नाम से ही परिचित हैं रणविजय, मतलब मानव श्रृंखला में इनकी क्या विजय होगी, इस संबंध में इनसे कुछ जानकारी लेना है। सर, राजद द्वारा घोषित 30 जनवरी को जो मानव श्रृंखला का प्लान है किसान के हित में, कहे कि मुख में जीव शक्ति भुंज में जीवन में सुख का नाम नहीं, बसन कहाँ सुखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं, किसान की स्थिति तो बहुत दयनीय हो गई है। तो ऐसे में सर, मानव श्रृंखला का जो संदेश जाएगा तो उसे क्या उम्मीद रखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे नेता युवाओं के प्रेरणा स्रोत जी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर जी और तमाम महागठबंधन के तमाम नेताओं के आह्वान पर जी पूरे बिहार में 12:30 से 1 बजे तक जी हम लोग मानव श्रृंखला के रूप में अपने कंधों पे अपना पार्टी का झंडा रखेंगे, राष्ट्रीय जनता दल का छाप का झंडा रखेंगे जी, और हाथ एक हाथ में मिट्टी भी रखेंगे जी, मिट्टी रखेंगे और मिट्टी से जुड़ाव होगा। एक संकल्प हम लोग लेंगे कि इस मिट्टी का सौगंध हम संकल्प लेते हैं जी, कि जो भारत सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जी जो थोपा हुआ जी कानून, काला कानून थोपा गया है, उस कानून के विरोध में हम लोग तमाम किसान लोग, उसमें तमाम महागठबंधन के लोग किसानों को जागरूक करके इस आंदोलन को और तेज करेंगे। और चूंकि बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनका एक भी आज तक इस बिल पर कोई बयान नहीं है, इसका मतलब वो चुप्पी साधे हुए हैं, किसान के हित नहीं देखना चाहते हैं। किसान आज बेहाल है, किसान का जो खाद की समस्या है वह आज कालाबाजारी के रूप में मिल रहा है। यूरिया का देखिए दाम कितना है, आप ग्रामीण इलाके में जाइए खाद की दुकान में पता कीजिए, आप एक आम आदमी बन के एक आम किसान बन के। इन तमाम बातों के लेके बिहार के किसानों में भारी निराशा है, उदासी है केंद्र सरकार के खिलाफ और बिहार सरकार के खिलाफ भी जी। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी में आस्था रखते हुए सभी लोग संकल्प लेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जी जय जवान जय किसान, तो उसी मजबूती को, उसी नारा को मजबूती देते हुए तमाम हमारे जो किसान है, कमजोर किसान है, क्योंकि इसमें साजिश हुई है, इसमें एक बड़े कॉर्पोरेट लोग को आगे करने के लिए इस तरह का बिल लाया गया है जिससे भारी नुकसान होने वाला है। जिस प्रकार से नील की खेती कराई गई थी इस बिहार में, इस देश में, इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों के द्वारा, गोरों के द्वारा, फिर वही चीज कुछ कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा ये साजिश रची जा रही है। तो बिहार के लोग, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है जी, बिल्कुल, खासकर समस्तीपुर जी एक हमेशा से संदेश देने का काम करता है, और उसी संदेश के रूप में निश्चित रूप से ये यह जो मानव श्रृंखला है पूरे बिहार में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में लोग जानने का काम करेंगे। खास करके आपका मोरबा विधानसभा, जहां आपके लिए एक होगी पहली परीक्षा है, पहले बार का विधायक है, तो क्या क्या तैयारी अभी तक वहाँ के संगठन के माध्यम से आप किए हैं? हम लोग देखिए कल ही पूरे तीनों प्रखंड में हम लोग मीटिंग रखे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म उत्सव के मौके पर हम लोग सब लोग बैठेंगे, सभी साथी इकट्ठे इस पर निर्णय लेंगे और बड़ी मजबूती से और संगठन को धारदार बनाते हुए सभी युवा विंग, छात्र विंग, महिला विंग, अति पिछड़ा विंग, अल्पसंख्यक विंग, किसान विंग, तमाम जो हमारे पार्टी के विंग है उनको एक करके एक बड़ी मजबूती का मिसाल हम लोग संदेश देने वाले हैं मोरबा से, और निश्चित रूप से यह संदेश जाएगा। बिहार की आवाज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।